काय बोलतात पूर्ण संपला कामी येणार पण लवकरच. भावी हाय भाविशा हाय हाय कैसी हो करण आपकी स्ट्रगल कहानी बताओ. मेरी स्ट्रगल कहानी बहुत स्ट्रगल कहानी पूरी तो नहीं बता सकती बट मैं पहले बैकग्राउंड डांसर थी और फिर मैंने वो इंडस्ट्री लेफ्ट की. फिर उसके बाद 3 महीने मैंने टिकटॉक बनाया. फिर उसके बाद मैं फेमस हो गई और फिर आप लोगों के प्यार की वजह से मैं अभी यही काम कर रही हूँ. रीवा या रीवा फोन दे फोन दे. सॉरी रीवा मेरे बाजू से मेरा ही लाइव देख रही है और मुझे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है. और ओके मैम थैंक यू आदित्य बोरे. उर्वशी पांडे हाय मैम प्लीज ऐड मी. टिकटॉक क्यों नहीं बनाते हो अक्की जादव 777 5. टिकटॉक क्यों नहीं बनाते हो? टिकटॉक तो अभी बंद हुआ है तो इसलिए नहीं बनाती बट हाँ मैं बहुत जल्दी बनाना चाहती हूँ नए नए वीडियो इंस्टाग्राम पे डालने के लिए और बहुत सारे एप्स भी अभी आएंगे. अरे यार सॉरी गाइज मेरे बाजू में जो जो मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहे हैं. तो टिकटॉक में बहुत जल्दी बनाऊंगी. तो अक्की जादव 777 5 इन्होंने पूछा और बाहर इतनी बारिश चल रही है कि जो मैं सोचती हूँ कि मुझे 4 बजे वीडियो बनाने जाना है तो मैं नहीं जा सकती क्योंकि बहुत ज्यादा बारिश है. ऑफिशियल मिहिर 6 6 900 लव यू टू. अक्की जादव नहीं उनका पड़ा. निशा अंडरस्कोर 43 यू आर सो ब्यूटीफुल थैंक यू. हाय मैं बसनी कर हाय मैं रोहित झिंझुर के और आप रोहित भाई का क्या रिलेशनशिप है? ये ऐसे लिखा है इसलिए मैंने ऐसे पढ़ा गाइज. रोहित और मैं बहुत ज्यादा अच्छे बेस्ट फ्रेंड है. बहुत अच्छा रिलेशनशिप है. सैफ खान 1264 क्या हाँ इन्होंने लिखा है कि उन्होंने कुछ थोड़ा गलत लिखा है बट मैंने ऐसे पढ़ा है कि आप मैं आपसे कुछ पूछना है कि कहना है कि आप बहुत मुझे अच्छे लगते हो. थैंक यू शिफा थैंक यू सो मच. धीरेन धीरेन सो गुड लुकिंग थैंक यू. आप लाइव गाइज मैं ऐसे ही रैंडमली किसी का भी पढ़ रही हूँ बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे आए तो मैंने ऐसे किसी का भी सिलेक्ट नहीं किया. मैं ऐसे जो जो मुझे मतलब जो मेरे आ रहे हैं मैं सबका देखूंगी मतलब ट्राई करूंगी मैं सबका पढ़ू. जानवी जैसी इनकम का सोर्स क्या है आपका? मैं तो अभी फिलहाल सोशल मतलब जो ये जो इन्फ्लुएंसर जैसे काम करती हूँ तो मेरा इनकम यहाँ से ही होता है. योर्स लता मोहर 96 आप इतने क्यूट क्यों हो? क्या पता. खुद की तारीफ खुद ही नहीं कर सकती क्योंकि अगर मैं मेरी तारीफ करूं तो यहाँ पे मेरे बाजू में मेरे बहुत जलने वाले बैठे हैं सो वो जल जाएंगे. और आपको उसका नाम बताना चाहूंगी अश्विन अश्विन टिड़के जो उस दिन मैंने स्टोरी डाला था वो मेरे बाजू में ही बैठा है और वो बहुत जल रहा है. ओके आरके 7184620 शायद इन्होंने अपना पूरा फोन नंबर ही डाला है यहाँ पे. रीवा आपकी कौन लगती है? रीवा मेरी नीस है मेरी सिस्टर की बेटी. समीर ओ डबल एक्स आप रोहित की गर्लफ्रेंड होना? नहीं भाई मैं रोहित की बहुत अच्छी फ्रेंड हूँ. एवढी क्यूट कशी आहेस तू? सुस
सानू ली 36, क्या पता आपको लगती हूँ क्यूट तो क्यूट रहूंगी। हेलो आरपी, आरपी एक मिनट, अभी से सब बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन है, आप बहुत क्यूट हो, क्यूट हो क्वेश्चन ऐड करना मुझे प्लीज। दी के एश क्षितिज ने पूछा है कि पूछ के क्या फायदा, तो आप क्या पूछना चाहते थे, आप मुझे पर्सनल पूछ सकते हो। तुम बहुत क्यूट हो सिस्टर। हाँ नीता फैन गर्ल ने पूछा है, मेरे एक फैन पेज ने पूछा है कि दी आप टैटू बनवाने वाले थे ना। हाँ मैं टैटू बनवाने वाली थी, बट जिस दिन मुझे टैटू बनवाना था तो उस दिन मुझे बहुत सारे वीडियो बनाने थे, तो मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट डे बनाऊंगी, बट उसके नेक्स्ट डे शायद लॉकडाउन वापस चालू हुआ तो मैं नहीं बना पाई। बट हाँ मैं अभी वही वेट कर रही हूँ कि कभी वो चालू होगा और मैं जाके एक टैटू बनवा दूंगी, पर बनाऊंगी जरूर। करण 99, आपने टिकटॉक कब से चालू किया एंड प्लीज मुझे फॉलो करने बोलना, लव फ्रॉम नागपुर। करण मैंने टिकटॉक शायद अभी 1.5 साल हुआ मैंने चालू किया है, और वाओ तुम लोग मस्त खा रहे हो और मैंने 1.5 साल हुआ चालू किया और अभी 2 साल होंगे मैं तब से कर रही हूँ, पर मैंने सिर्फ पहले टाइम पास के लिए बनाया था और अभी तो बहुत टाइम हो गया। एक्स बेबी गर्ल 789, लवकर ये पुणे मध्ये, मी आता मे बी मला असं वाटतंय 5 दिवसांनी पुण्यालाच येणार होती, पण माझं लक इतकं मस्त आहे ना की मी नाही येऊ शकली, कारण आमच्या इथे लॉकडाऊन नवी मुंबईला परत स्टार्ट झाला आणि मी माझ्या फ्रेंड्स जे पुण्यामध्ये आहेत त्यांना विचारलं तर ते लोकांनी मला सांगितलं की पुण्यामध्ये पण 23 पर्यंत लॉकडाऊन आहे, सो मी आता पुण्याचा प्लॅन थोडा पुढे केलाय, पण मे बी हा मंथ एंडला मी पुण्याला येईल नक्की। आप फिर से लाइव आना प्लीज। हाँ मेरा शायद 2 दिन में 1 मिलियन कंप्लीट हो जाएगा और मैं जरूर लाइव आऊंगी। डेक्सेस 1010, गुजराती बोलो ना सारू बोलो छे। मुझे सच में गुजराती नहीं आता, और मैंने गुजराती तो हम लोगों ने जैसे सिर्फ मजामा इतना आता है, क्योंकि जैसे रोहित मेरा फ्रेंड बना तो वो सूरत में रहता है, तो वो उनके मतलब उनके फ्रेंड्स गुजराती बोलते तो हम लोग उनको ऐसे ही चिढ़ाने के लिए बोलते थे, हमें कुछ गुजराती नहीं आता। मैंने हमेशा रोहित को बोला है मुझे सिखाओ सिखाओ, पर वो मुझे कभी नहीं सिखाता। और आरपी 1 happy 1 million आ रही, अभी होने वाला है आरपी, तो उधर से केक कट करना मेरा। शुभम आपके खूबसूरती का राज तो बता दो कोई, क्या पता। मैंने बोला ना गाइस मैं ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगी क्योंकि जलने वाले मेरे बाजू में ही बैठे हैं। गफर जी ने बोला है आप मुझे रोहित सर से मिलवा दो, मैं नासिक में रहता हूँ प्लीज, तो मैं बोलूँ कि आप ही मुझे रोहित सर से मिलवा दो क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, वो ज्यादा बिजी रहते तो मुझे खुद ही नहीं मिलते, तो वो आपसे बहुत मुझे ये करना पड़ेगा, उनको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, पर मैं जरूर मिलवाऊंगी। पायल विश्वास ने पूछा है दीदी आप मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं करती, तो पायल आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने आपके मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं उनको सॉरी बोलना चाहूंगी, क्योंकि मैं इतने मैसेज आते हैं कि मुझे शायद कभी कभी रिप्लाई करना नहीं होता, पर मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कोई इमोजी भेजू और कुछ ये करूँ। सॉरी मुझे एक मैसेज आया था, मैं हमेशा ट्राई करती हूँ कि मतलब मैं कुछ करूँ कुछ ना करूँ मतलब रिप्लाई करूँ, पर नहीं होता इतना पॉसिबल, इतने सारे मैसेज आते हैं, पर मैं ट्राई करूँगी आगे से कि मैं रिप्लाई करूँ सबको। चेतन कोली एक कोई तो लड़का है, उन्होंने मुझे पूछा है और वो भी मेकअप के बारे में, वाओ, कि व्हाट इज योर फेवरेट मेकअप कंपनी,
हुदा ब्यूटी का मेकअप मुझे बहुत पसंद है। और ऐसा कुछ नहीं कि मैं ज्यादा पर्टिकुलर एक ही ब्रांड ऐसे यूज करती हूँ, क्योंकि मैं बीबी क्रीम बोलो छोटा माजी हाय छोटा माजी माजी का भाई हुडा का मेकअप यूज करती हूँ। और मैं एवरी मतलब ऐसे मेकअप जो करती हूँ तो उसमें मैं बीबी क्रीम लगाती हूँ बस, बाकी कुछ नहीं। पॉन्स बीबी क्रीम गर्ल्स सुनो, आपका फेवरेट सॉन्ग मुस्कान प्रिंसेस 03 ने पूछा है मेरा ऐसा कोई नहीं कि मेरा कोई फेवरेट सॉन्ग है, बट हाँ मैं हमेशा मेरा ऐसा कोई नहीं कि मेरा फेवरेट सॉन्ग है, जो मेरे आजू बाजू जो भी रहते हैं वो कोई भी सॉन्ग सुनते हैं तो मैं मुझे वही सॉन्ग पसंद आता है, पर जो भी नया है वो सैड सॉन्ग मुझे ज्यादा पसंद है। खैरियत, हाँ फिलहाल मेरा खैरियत कौन सा गाना है, खैर मंगा सोनिया मैं तेरी, ये वाला सॉन्ग मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, क्योंकि ये मैंने मेरे स्टोरी पे भी बहुत टाइम रखा है, क्योंकि वो सॉन्ग मुझे क्या पता मुझे बहुत अच्छा लगता है आजकल। अगर एक गाना सुनते तो हमेशा हाँ आई एम एम जे के मजाक शायद, अहमदाबाद कब आ रहे हो, आपसे मिलना है पिट्टू और दूसरों को जलाना है मैं जरूर आऊंगी, जरूर जरूर आएंगे हम लोग अहमदाबाद, शायद अहमदाबाद सूरत के बहुत नजदीकी होगा ना, मुझे नहीं पता शायद, पर आएंगे जरूर। अभी ये सब एक बार खत्म हुआ ना तो मैं सब जगह पे घूमूंगी, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग ब्लॉग करना है। सो मैं यहाँ पे मुझे ऐसे क्वेश्चन आया है, हु इज योर क्रश, मुझे मेरा कोई क्रश नहीं है, अभिषेक 05 आपके बीएफ का नाम क्या है, मेरा कोई बीएफ ही नहीं है तो मैं नाम क्या बोलूं। गाइस मैं अभी यहाँ पे थोड़े क्वेश्चन आए उसका आंसर देती हूँ। आप कुमुक अमसूद आप एजे सर के साथ क्यों नहीं आते यार। गाइस ये मैंने बहुत टाइम बोला है कि मैं कभी जिंदगी में नहीं आ सकती, और ऐसे कुछ थे पर्सनल इशू जिनके वजह से आज हम लोग साथ में काम नहीं कर रहे, और आई एम हैप्पी कि मैं अकेली काम कर रही हूँ और बहुत ज्यादा अच्छा कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे इतना ज्यादा प्यार दे रहे हो, क्योंकि आज मेरा 1 मिलियन हो रहा है, मतलब कल या परसों तक मेरा 1 मिलियन हो जाएगा, तो इससे मुझे पता है कि आप मुझसे कितना ज्यादा प्यार करते हो, अगर मैं अकेली भी हूँ या किसी के साथ भी हूँ। मैडम अरे मराठी बोलना विसरलीस का फ्रेंड ला, इट्स नीलू नाही मी मराठीच आहे आणि मी इथे खूप सारे लोक असेत की त्यांना मराठी नाही समजत तर म्हणून मी हिंदी बोलते। देऊ आन्सर म आन्सर द्यायला अश्विन का आन्सर आहे वेर इज युअर नेटिव प्लेस खुशी पुणे ना पुणे नाही मला वाटलं मी पण बोलू शकते यस सही मराठी स्वॅग नाही आता प्रियंका पटेल नो मराठी युवराज मिताली हाय हॅपी 1 मिलियन आय एम दिशा मालविया नो आय नो इट्स मी यशु आन्सर देना सुकन्या क्या है आप मेरे स्नैपचैट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करो हम लोग स्ट्रिक्स बढ़ाएंगे मैं इतना स्ट्रिक्स नहीं कर सकती क्योंकि मैं बहुत मतलब मेरे स्टोरी डालती हूँ और मतलब बहुत कम वहां पे हूँ, बट हाँ आप मुझे वहां पे स्नैपचैट पे ऐड करो, मेरे अकाउंट पे मेरा स्नैपचैट आईडी ऑलरेडी डाला है, तो मैं वहां पे बहुत सारी स्टोरी डालती हूँ जो मैं इंस्टा पे नहीं डालती, तो आप मुझे वहां पे जाके फॉलो करो और आप मेरी बहुत सारी अपडेट देख सकते हो।
सॉरी गाइज, आपको ऐसे लग रहा है मैं किसको ऐसा हंस रही हूँ। एक मिनट अश्विन इकड़े है। मेरे आजू बाजू है सानिका, अश्विन और रीवा। पीयू तबियत कैसी है और फिर से कब आप रोहित के साथ न्यू वीडियो बनाओगे? बोथ आर जोड़ी माशाल्लाह। मेरी तबियत अभी ऐसे ही लिखा है। मैं अभी बहुत ज्यादा ठीक हूँ और मतलब अच्छी हूँ, मेरी तबियत भी अच्छी है। सलोनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर 1 मिलियन सून। यस यस, थैंक यू बेबी। और जैक, हाय जैक, स्माइल कैसी है आपकी? मैंने सुना आपका दांत टूट गया है। और पीयू, मेरी तबीयत ठीक है। हाँ, और अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो रोहित और मैं अभी उसके 1 मिलियन पे मिले थे, तो शायद अभी हम लोग थोड़ा बहुत टाइम के बाद मिलेंगे, पर जब भी मिलेंगे तो हम लोग जरूर वीडियो बनाएंगे और साथ में लाइव भी आएंगे। सागर तरे मैम, तुमची स्माइल खूप छान आहे। खोटी तारीफ नको करू रे सागर। सागर एंड थैंक यू सो मच। गाइज, मुझे कल ना मेरा मतलब 1 मिलियन का शूट करना है और यहाँ पे लॉकडाउन चालू है तो ऑलमोस्ट सिर्फ ऐसे नॉर्मल यहाँ तक जा सकते हैं, बट सब शॉप्स बंद है। पर उसने मुझे आज जाके मुझे जो कल के लिए सामान चाहिए था वो मुझे लाके दिया, तो थैंक यू सो मच सागर। इट्स रोशनी दी, प्लीज से मी हाय, आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ यू, प्लीज रिप्लाई मी। हाय रोशनी, थैंक यू सो मच। वाई यू प्लीज नीता जी मेरे को ऐड करो। लव्या, हाँ मैं थोड़े लय छान आहे तुमची स्माइल। जैक माझी स्माइल ना, मी तुझी स्माइल बोलती है। आप दोनों एस के नेहू, आप दोनों क्यूट बेस्ट फ्रेंड हो बहुत ज्यादा। मैं ज्यादा क्यूट हूँ। कहाँ सोते है? अभी मैं बहुत नीचे वाले आंसर ढूंढ रही हूँ। वन एंड ओनली ओम, तू कभी माझगावला येणार? मुझे नहीं, मैंने माझगाव करके सुना है बट नहीं पता। हाँ बट सीएसटी माझगाव, ओके हाँ यहाँ पे ही है, तो टाउन साइड ना, ओके। तो मैं टाउन साइड बहुत टाइम आती हूँ बट अभी तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी आ पाऊंगी। हाय क्षितिज, पर मैं जरूर आऊंगी, मतलब जरूर आऊंगी, ट्राई करूंगी, जरूर आना, जल्दी आना। एके अफान एडिटर, आप मुंबई से कहाँ से हो प्लीज बता दो ना दी। मैं मुंबई से हूँ, नभी मुंबई में रहती हूँ, ऐरोली। एके अफान एडिटर, आप सूरत कब आओगी दी? मैं अभी शायद 2 टाइम सूरत गई थी बट अभी मैं शायद नहीं जाऊंगी इतने जल्दी, जब तक ये सब खत्म नहीं होता, पूरी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी तभी मैं जाऊंगी। क्योंकि हाँ मैं भी मेरे फ्रेंड्स को बहुत मिस करती हूँ बट अभी नहीं जा सकती इसलिए, वरना मेरे 1 मिलियन पे हम लोग सब साथ में होते। हाय आरंशी ओ हीरोइन, हाय बेबी कैसे हो आप? तो देखते अभी, मैं जैसे ही ये सब खत्म होता है मैं पहले पुणे जाऊंगी, उसके बाद मैं कहीं पर भी ट्रैवल करूंगी। व्हेन इज योर बर्थडे? पूजा कोर्डे, मेरा बर्थडे 4 अप्रैल अभी हो गया, जब लॉकडाउन था तभी मेरा बर्थडे था और अब मेरा बर्थडे हो गया। पर मेरे बर्थडे पे मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया क्योंकि मेरे दोस्तों ने मेरे लिए बहुत सारे केक भेजे थे और मेरा लॉकडाउन वाला जो भी बर्थडे था वो बहुत अच्छा था। बर्थडे आरंशी, आप पूछ रहे हो कि हिमाचल भी आओगे? हाँ हिमाचल का प्लान तो है यार, वो तो जरूर आना है क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया है ना तुम्हें कि हम लोग ट्रैवलिंग ब्लॉग करेंगे, उसमें तुम होगी और मैं जरूर आऊंगी, जरूर
ये तो मेरा सबके सामने प्रॉमिस है कि मैं आऊंगी जरूर। अभी अगर लॉकडाउन 3 महीने बाद खत्म हुआ तो मैं 4th महीने आऊंगी, पर आऊंगी जरूर। फर्स्ट ट्रिप मेरा वहां का ही होगा। राज मैम, आपके आई बहुत ब्यूटीफुल हो गए हैं लॉकडाउन में। ये ना आपने कौन, ये राज सुरती, ये आपने बहुत ज्यादा गलत कमेंट किया है, क्योंकि मेरी आंखें हमेशा स्वेलिंग ऐसे रहता है, क्योंकि मैं थोड़ी भी सोती हूँ तो मेरी आंखें ऐसे स्वेल हो जाती है। और जैसे कि आप अभी देख सकते हो, कल तो मैं पूरा दिन सो रही थी इसलिए मैंने कुछ नहीं डाला था, पर रात को, हाँ कल मेरी थोड़ी तबीयत थोड़ी डाउन थी, तो फिर आज भी मतलब ओके ओके है, बट मैंने जैसे प्रॉमिस किया था कि मुझे आज लाइव आना है तो मुझे आना ही पड़ा। पर मेरी आंखें बिल्कुल खूबसूरत नहीं है, एकदम गलत है, नहीं है, मुझे नहीं पसंद है, तो मुझे नहीं जलने पसंद वाले बोल रहे हैं। ये ऐसे स्वेलिंग वाली आंखें पसंद है, नॉनसेंस, लेंस का काम। और ये मेरी आंखें, नीता दी मैं 13 ईयर्स ओल्ड हूँ और आप मेरी इंस्पिरेशन हो, तो मुझे बस वीडियो वायरल करने का कुछ टिप दो। अजय कुमार, थैंक यू, बट आप वीडियो को वायरल करने के लिए मुझे नहीं पता। हाँ, बट आप अच्छे अच्छे कंटेंट बनाते रहो, अच्छे अच्छे आइडियाज लाते रहो और ऐसे ही डालते रहो, भले वो वीडियो आपका वायरल हो ना हो, बट आप मेहनत करोगे एक ना एक दिन वो जाएगा ही। शुभम मात्रे ऑफिशियल ने पूछा है, नीता तुझे पप्पांचा पिक दाखव ना, प्लीज दाखव ना, मी बघितलं नाही कधी तुझ्या पप्पांना, प्लीज दाखव ना। हाँ, मी माझ्या पप्पांवरून माझा फोटो लवकरच स्टोरी मध्ये किंवा असं पोस्ट करेल। मी एकदा टाकले, कधी टाकलेला, प्रिया दी से माय नेम प्रियांशी, हाय प्रियांशी। रिवाला दाखव ना प्लीज, माझी छोटी बहिणीची विश आहे, माझा पण विश करणार। ये सिर्फ मैसेज मैंने पढ़ा ना, मैंने रिवा को बुलाया, फिर भी रिवा आई और देखो से हाय। हाय, वाय, रिवा बहुत ज्यादा मस्ती करती है तो इसलिए मैं रिवा को कभी भी मेरे साथ नहीं रहने लगती।